नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाम मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अब एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पहले मैं पूरा पेपर सॉल्व कराता जिसमें 1 से 1.5 घंटे टाइम लगता था, तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे पूरा। तो अब मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर सॉल्व कराऊँगा और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दूँगा, जो 2010-11 से लेकर के 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, RO, ARO और APS सबका पेपर मेरे पास है, मैं सब सॉल्व करा दूँगा। आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रीवियस ईयर के लिए, तो आप बेफिक्र रहिए, पूरा का पूरा सॉल्व कराऊँगा। अब कोशिश करूँगा डेली एक वीडियो डालने का, अपलोड कर दिया करूँगा, और सब्जेक्ट वाइज चलता रहेगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो आप लोगों को देखने में भी आसानी रहेगी। तो पोल्ट्री से स्टार्ट करते हैं, डेली एक एक वीडियो आता रहेगा एक एक सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं पोल्ट्री क्या, RO का और पोल्ट्री क्या है, 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे क्वेश्चन साल जैसे आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके आसपास के सारे क्वेश्चन उसी दौरान देख लेना चाहिए। जैसे इसका तो आंसर राष्ट्रपति है, अब देख लीजिए राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है, उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में आते हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा अपने माइंड में ही ऐसे ध्यान कर लीजिए। जैसे निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कितना है, 324 से लेकर के 329 तक है। और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि 21 साल से घटा करके एज 18 साल कर दिया, किस संविधान संशोधन से किया गया था, 61वें संविधान संशोधन से ये किया गया था 1988 में। ऐसे जो फेमस क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन को आना ही आना है, वैसे क्वेश्चन को आप हमेशा तैयार रखिए। और इस 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, किस समिति से हुआ था, तारकंडे समिति से ये 3 सदस्यीय हुआ था। और एक क्वेश्चन इसमें आता है कि इलेक्शन कमीशन किस भाग में है, तो 15वें भाग में इलेक्शन कमीशन का वार्डन है। ऐसे जब एक क्वेश्चन तैयार करें, साथ में 3-4 क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे माइंड में अपना एक आइडिया ले लीजिए कीजिए, इससे भूलेगा नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को, तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे। तो ऐसे आप तैयार करेंगे तो GS आपको बहुत आसान लगेगा और आसानी से सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। अब मैं डेली प्रैक्टिस कराऊंगा तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता भी रहूंगा। लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने वह कौन है? लोकसभा स्पीकर जो बाद में राष्ट्रपति बने वो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा स्पीकर थे जो बने राष्ट्रपति। एक चीज़ इनके बारे में और याद रखिए, ये निर्विरोध प्रेसिडेंट का चुनाव जीते थे, निर्विरोध। और बीबी गिरी के बारे में एक चीज़ याद रखिए कि ये द्वितीय वरीयता की मतगणना से चुनाव जीते थे, द्वितीय वरीयता की मतगणना से चुनाव जीते थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, स्पीकर इनकी नियुक्ति करते हैं, इनके अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष। और जनरली कौन होता है, एक प्रचलन है कि ये विपक्ष का नेता जो होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष का नेता। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करते हैं, CAG की रिपोर्टों की जांच करते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 प्लस 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। ये प्राकलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है, प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30। और सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राकलन समिति सबसे बड़ी समिति प्राकलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 300 राज्य लोकसभा से आते हैं। और इस समिति में कोई मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, सब सांसद सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल का कोई नेता उसमें नहीं आता है। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है, अब इसमें देख रहे हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि जो सिलेबस दिया था उसमें इकोनॉमिक का पार्ट नहीं दिया था, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इकोनॉमिक मैं अलग से भी करा दूंगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर।
तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? सरकार के राजस्व तथा व्यय से संबंधित है। मोड वैट इज रिलेटेड टू, मोड वैट का संबंध किससे है? अब ये सब तो खत्म हो चुका है वैट जीएसटी के आने से, पहले ये सब थे, वैट था उसी के मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये एक्साइज ड्यूटी से संबंधित था। अब ये सब खत्म हो, सब जीएसटी आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी पुराने वाले से ही आते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अब ऐसे क्वेश्चन ये सब हमेशा आते रहते हैं, तो एक बार जब कैसे ये क्वेश्चन दिखे सामने तो एक साथ ही आप चार पांच देश का तैयार कर लिया कीजिए। जैसे यूएसए से क्या है? मूल अधिकार है, मूल अधिकार। रूस से क्या है? मूल कर्तव्य। ये दोनों तैयार हो जाए, हमेशा याद रहना चाहिए यूएसए से क्या लिया गया, मूल अधिकार। कहीं भी यूएसए से आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए यूएसए से संविधान में क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? जो समवर्ती सूची बनी है उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास रहेंगे, अवशिष्ट शक्तियाँ। और राज्यपालों की नियुक्ति, ऐसे जब एक क्वेश्चन आया तो वो साथ में अपने मन में ऐसा थोड़ा ध्यान किए कि यूएसए से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, कनाडा से। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसी से हो गया। जब सारे ऑप्शन को आप एक बार एनालाइज करेंगे तो उससे तैयारी अच्छी हो जाती है, तो क्वेश्चन बोलता नहीं है जो भी आप तैयार किए हैं, एक बार रिकॉल सब चीज़ हो जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव थे। अभी आ गया, अभी तुरंत एक माइंड में आना चाहिए पोल्ट्री में कि किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148। अभी प्रेजेंट में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऐसे थोड़ा बहुत अपने माइंड में ये सब चीज़ें रखिए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया था? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे? आप लोग बताइए इसको, कमेंट कीजिए। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया वह क्या है? यूपीएससी जो है किस किस अनुच्छेद में आता है? 315 से लेकर के 323 तक। और यूपीएससी किस भाग में आता है, संविधान के किस भाग में? भाग 14 में है। भाग 15 में क्या है? अभी जस्ट बताया हूँ, इलेक्शन कमीशन है। भाग 14 में क्या है? यूपीएससी है। यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो क्या होता है? पूरा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। पांडवानी किस प्रदेश का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऐसे क्वेश्चन, ये सब लोक कला के क्वेश्चन हैं, ये सब भी दो तीन क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रहते ही हैं। इसको पोल्ट्री के क्वेश्चन में, पोल्ट्री के सेक्शन में डाल दिया गया है। तो पांडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। उत्तर प्रदेश का क्या है? रामलीला, रासलीला, चरकुला, ये सब उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड का एक फेमस नृत्य आता है जो हर एग्जाम में आता ही आता है, चंचरी नृत्य। चंचरी नृत्य ये उत्तराखंड का है। और मध्य प्रदेश का डंडा नृत्य, डंडा नृत्य, मटकी नृत्य, ये सब एमपी के हैं। चंचरी नृत्य इसको तो याद कर लीजिए आप लोग। आपातकालीन स्थिति घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में किया गया था। कभी कभी डेट वाइज पूछ लेता है, 25 जून 1975। और ख़त्म कब हुआ था? 21 मार्च 1977। और
एक क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं कि उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, ये ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता कि राष्ट्रपति उस टाइम कौन था। प्रधानमंत्री तो सबको पता है कि इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति, ये आप लोग याद रखिए। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। गायत्री मंत्र किस वेद में विद्यमान है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में विद्यमान है। भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यालय में प्रवेश से पूर्व कौन शपथ दिलवाता है? तो शपथ दिलवाते हैं मुख्य न्यायाधीश। अब ऐसे है कि जैसे आ गया इसमें लोकसभा अध्यक्ष, आप देख सकते हैं किस आर्टिकल में आता है, CGI किस आर्टिकल में है, प्रधानमंत्री का किस आर्टिकल में वर्णन है, तो आप ऐसे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। हार्नबिल फेस्टिवल ये बहुत फेमस क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। हाई कोर्ट में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो कई बार आ चुके हैं SSC में या UPPCS में, जो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं वही सब क्वेश्चन आते हैं। हार्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का। एक मेघालय के 2-3 हैं, ये भी हमेशा आते रहते हैं। यहाँ का मेघालय का एक वांगला है, वांगला फेस्टिवल, जो हमेशा आता है एग्जाम में। बेहदियान कलाम है, बेहदियान कलाम। एक नोंग क्रेम है, नोंग क्रेम। ये 3 फेस्टिवल हमेशा मेघालय के आते हैं, क्योंकि ये सब नॉर्थ ईस्ट वाले हमें ज़्यादातर आते हैं, इधर का तो सबको पता है, नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं पता रहता। नोंग क्रेम, वांगला, बेहदियान कलाम हमेशा आता है। सिक्किम का इंदिरा यात्रा एक फेस्टिवल है, वो आता है। इंदिरा यात्रा ये सिक्किम का है। नागालैंड का हार्नबिल हो गया, मेघालय का बता दिए, वांगला, बेहदियान कलाम, नोंग क्रेम। गोवा का तो कोई वैसे खास मुझे याद नहीं आ रहा है। आपातकाल का सिद्धांत, अब ये सब देखिए बताया था पहले ही, ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखिए। कनाडा का बता दिया था, जर्मनी, आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन में क्या होता है, सब एक ब्रेक लग जाता है, जाम सा हो जाता है, जहाँ सब जम जाता है, ऐसे मैं याद किया था। जर्मनी आपातकाल क्या हो जाता है, सब रुक सा जाता है, तो क्या हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया है। जापान से क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या है, समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों की सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से बता दिया हूँ, राज्यपालों की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है, इसमें 3 क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। जैसे मीमांसा के हो गए जैमिनी, मीमांसा के जैमिनी और न्याय दर्शन एक है, न्याय दर्शन के ये हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। 3 दर्शन, 3 के 6 दर्शन, लेकिन 3 के हमेशा क्वेश्चन आते ही रहे। न्याय के कौन है, गौतम, और एक है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इसके कौन है, प्रतिपादक कपिल। ये हमेशा आप 3 क्वेश्चन इसको याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए हमेशा, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। मीमांसा के जैमिनी, न्याय दर्शन कौन है, गौतम, और सांख्य दर्शन के कौन है, कपिल। ये हिस्ट्री की लूसेंट की आप बुक खोलेंगे, फर्स्ट या सेकंड पेज पे है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इससे आता रहता है। 3 दर्शन आपको याद रखना है। प्रसिद्ध लोक कला मदाना भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, ये राजस्थान और MP में प्रचलित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजस्थान। इसके बाद जनरल साइंस का आ गया, तो डेली एक एक सब्जेक्ट का कराएंगे, आप लोग घबराइए मत। अब पूरा का पूरा मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, एग्जाम होने से पहले पूरा प्रीवियस ईयर एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। थैंक यू, बेस्ट आप लोग, बेस्ट विशेष, तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए।